छोटी दिवाली और कल है बड़ी दिवाली। तो एबीसीडी वर्णमाला की तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली। और क्या बच्चों, आप जानते हैं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है? और अथर्व, आप जानते हैं क्या? नो नो। तो बच्चों, आपको भी और साथ में अथर्व को, दोनों जन को, हम आप लोगों को और अथर्व को भी बताएंगे कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करें। अयोध्या एक राज्य था जिसके राजा दशरथ थे। उनके चार पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो एक बार की बात है कि राजा दशरथ राम जी को वनवास भेज दिए। वनवास जानते हो क्या होता है? नो। वनवास ऐसा ये होता है कि लोग अपना घर छोड़ के जंगल में रहने के लिए चले जाते हैं। तो राजा दशरथ ने क्या किया, राम को वनवास भेज दिया। वनवास जाने के लिए जब राम तैयार हुए तो उनके साथ लक्ष्मण और सीता भी तैयार हो गए, वन के लिए निकल गए। वो लोग वन में एक वन से दूसरे वन घूमते रहते थे। कि एक दिन क्या हुआ जानते हो? नो। एक दिन रावण उन साधु का वेश बनाकर सीता जी से भिक्षा मांगने आया और वो सीता को चुरा कर ले गया। तो राम जी जब अपनी कुटिया में आए तो देख सीता मैया वहाँ पे नहीं थी। तो राम जी परेशान होके, राम जी और लक्ष्मण दोनों लोग मिलकर सीता को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें सीता मैया कहीं मिली ही नहीं। फिर उनको किसी तरह उनको पता चला कि सीता जी कहाँ है, लंका में। तो फिर उन्होंने क्या किया, लंका में जाके रावण से युद्ध किया और रावण को मार डाला। रावण को जिस दिन मारा उस दिन क्या बनता है? हाँ, तो दशहरा। और जब वो लोग रावण को मारकर वापस सीता मैया को लेकर अयोध्या आए तो वहाँ के लोग बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए और क्या किया, और पूरे अयोध्या का दियों से सजा दिया और साथ में लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, आपस में गले मिले और पूरा अयोध्या में त्योहार के जैसे मनाया गया जब राम सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस आए। तो इसीलिए हम लोग दिवाली मनाते हैं, क्योंकि उस दिन राम सीता और लक्ष्मण क्या किए थे, अयोध्या वापस आए थे। तो पता चला कि क्यों हम दिवाली मनाते हैं? यस। और इस दिन हम लक्ष्मी जी और गणेश जी की भी पूजा करते हैं। तो बच्चों, आपको स्टोरी समझ में आई और पता चला ना कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं? तो एक बार फिर से आपको हैप्पी दिवाली। और बोलिए अथर्व, और क्या बोलना है? थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। बाय बाय बाय।